Assalamualaikum guys, welcome back to the channel Live Box बच्चे से खैर से और आज मैं आप सब लोगों को पहले ही मेरी तरफ से ईद मुबारक एंड उसके बाद मैंने मेहंदी वहंदी नहीं लगाई आज क्योंकि इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मैं ईद पे नहीं लगाती हूँ। पिछली बार मैं गई थी ईद लगाने बट मैं ज़्यादातर ईद के दूसरे दिन लगाती हूँ, तीसरे दिन लगाती हूँ। फिलहाल आपको मेरे हाथ पे सिर्फ इंक देखने को मिलेगी और अब मैं आज कहीं बाहर जाऊँगी और क्या ही करूँगी यहाँ दिन भर, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ अपना आउटफिट में क्या पहनने वाली हूँ, फिर उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। मैं ये पहनने वाली हूँ, अभी मैं आप सबसे पहनने के बाद मिलती हूँ। तो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक, जब मैं निकल रही हूँ और इरफान जो है वो गया है दोस्तों के साथ, तो इरफान से मैं आपको बाद में मिलाऊंगी। फिलहाल मैं निकलती हूँ आपसे आगे रास्ते में। तो गाइस मैं फाइनली यहाँ से निकल रही हूँ, बहुत ही ज्यादा धूप पे मैं पहुंच रही हूँ, अब मैं आपको आगे रास्ते में मिलती हूँ। Me to say, you know that I will always find a way to fuck up everything. Okay, हम कैफे अब अभी हमारे कुछ खाने, बिकॉज हमने घर पे खाना नहीं खाया क्योंकि मैं पता थी कि हमें बाहर कुछ खाना है। चाय पी और उसके बाद पता है कि मुझे बाहर जाना है, इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने स्पेस बचा के रखी थी। हमारा तंदूरी चिकन आ चुका है, बाकी जब आएगा तब दिखाऊंगी, फिलहाल मैं खाती हूँ कुछ, है ना। तो गाइस यहाँ का सब कुछ अच्छा था बट मुझसे हमस नहीं खाया गया, अगर मैं थोड़ा सा भी खाऊंगी ना मुझे वो मीटिंग होगी, मुझसे नहीं खाया गया ये। बट इसके ऊपर जो अनार के दाने थे वो मैंने सारे खाए। अब मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ तो मैं आपको आगे मिलती हूँ। गाइस दिल आ चुकी है हमारी। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं और हम अब डायरेक्ट जा रहे हैं घर, और बहुत ही ज़्यादा धूप है, कहीं और तो जा नहीं सकते, अगर लगा शाम को फिर डल लेक जाएंगे घर वालों के साथ, और कहाँ जा सकते हैं हम यहाँ श्रीनगर में, नज़दीक वही है डल। तो पहुँच चुकी हूँ मैं फाइनली अपनी लेन में और इसके बाद फ़िलहाल तो अब मैं घर जाऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करूँगी, फिर ऑलमोस्ट मैं 3-4 बजे जाऊँगी कहीं और, क्योंकि अब घर बैठे बैठे इंसान क्या करेगा ही, तो इसलिए। तो गाइस फाइनली अब थोड़ा बहुत रेस्ट भी हमने कर लिया और अब हम और जा रही हूँ मैं अब मैं बाहर, और बिकॉज इस टाइम अब 5 बज चुके और अब थोड़ा सा मतलब ना छाऊँ भी है बाहर, अब धूप वूप ख़त्म हो चुकी है, तो अब मैं सोचा कि थोड़ा जाऊँगी देखते हैं डाल जाऊँगी कहाँ जाऊँगी, क्योंकि आज का दिन तो वैसे भी इंजॉय ही करना था, आज तो कुछ और कर भी नहीं सकते हैं, फिलहाल बाहर ही जाऊँगी। हम जीरो ब्रिज के पास, अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है किधर जा रहे हैं। तो गाइस जल से हम वापस आ चुके हैं और अब मैं गई थी लैम्बर्ट लेन, वहाँ से मुझे कुछ लाना था बट वहाँ पे सारा बंद था, ओबियसली मैं कैसी बात कर रही हूँ, आज ईद है तो ओबियसली सारा बंद ही था। अब मैं फिलहाल घर ही जाऊँगी, कुछ खास तो है नहीं आज करने के लिए, सारा बंद है वहाँ पे, सारा बंद है धूप की वजह से। अब हमने सोचा मैं थोड़ी सी आइसक्रीम खा लेते, अब मैं जा रही हूँ आइसक्रीम लाने। तो गाइस हम आ चुके हैं मैंगो शेक पीने, आइसक्रीम का जो है प्लान कैंसिल हो चुका है, अब पहले मैंगो और फिर और कहीं और घूमने जा रही हूँ, क्या मज़ा नहीं है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं घर, रहा मेरा भाई जो कि आज आपको इसने हाय वाई नहीं किया। ईद मुबारक बोलो। हेलो, ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। हाँ, हमें बाहर सोहे ब्लॉग्स मिले, दो बार मिले हमें। हाँ, और मुझे भी आज मिला था बेचारा, मतलब मैंने इसको हाय वेव किया दूसरी बार भी उसे, हाँ उसने फिर वहाँ से वेव किया वापस। बहुत अच्छा है लेकिन। हाँ, वही मेरी मम्मा, आज आपने ईद मुबारक नहीं बोला, आज माँ की भी थोड़ी ना तबीयत ख़राब थी, सर से थोड़ा लो फील कर रही है। बाकी मुझे आज सही व्लॉग्स मतलब सही व्लॉग्स मिले, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने सोचा मैं दोबारा उनसे बात करूँगी, उनको व्लॉग में मतलब अगर वो चाहेंगे तो उनको लाऊंगी, बट दोबारा वो मतलब तब तक वो चले गए थे, मैं तब तक ऊपर थी, मैं मैंगो शेक पी थी, वो चले गए थे तब तक। तो गाइज़ अब मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट रेस्ट भी कर लिया है, बिकॉज जब मैं वहाँ से आई थी मैं ऊपर चली गई थी और मैंने रेस्ट सोचा करूँ बिकॉज थक गई थी मैं बाहर, और मैंने नहा वहा भी लिया है, अब मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ अच्छे से, तो अब मैं नीचे जा रही हूँ चाय पीने के लिए, तो देखते हैं और मम्मा नीचे क्या कर रही है, तो
तो चलते हैं मम्मा के पास। मम्मा नमकीन चाय, पता नहीं इसको क्या कर रही है, क्या कर रही है, इसको क्या हो गया है कुछ। अच्छा अभी लगाई है मम्मा ने। तो गाइज मम्मा को भूल चुकी थी चाय लगानी, तो इसलिए जब तक मेरा मतलब अब तो मेरा मूड भी खत्म हो जाएगा तब तक जब तक चाय तैयार हो जाएगी। तो कोई नहीं, मम्मा रेस्ट कर रही थी थोड़ा बहुत, बिकॉज मम्मा को सर में दर्द था तो इस वजह से उन्होंने चाय नहीं लगाई थी मतलब पहले ही। तो अब फिलहाल मैं क्या करूँगी, फिलहाल मैं मिठाई खा लेती हूँ। वैसे मुझे मिठाई बंद है लेकिन अब मैं फिलहाल वही खाऊंगी। इसमें तो पापा ने ख़त्म की है यार, अब ये वाली खाऊंगी मैं थोड़ी सी, कि नहीं मैं काजू इतना खाऊंगी। तो गाइस फाइनली अब मैं चाय पीऊंगी बिकॉज मम्मा ने चाय की है तैयार। तो अब हो चुकी है फाइनली एक घंटे बाद हमारी चाय तैयार, तो अब चाय पीते हैं फिर उसके बाद मैं आप तक से मिलती हूँ। राइट फॉर्म, तुम क्यों नहीं व्लॉग में आ रहे हो, तुम क्यों व्लॉग से भाग रहे हो? मेरा व्लॉग कब तुम एडिट कर, ये मेरा एडिटर है, मैं खुद कुछ नहीं, मेरा सारा क्रेडिट इसको जाता है बिकॉज व्लॉग ही एडिट करता है। अच्छा। तुम क्यों नहीं हमारे व्लॉग में आते हो? तो मेरा क्रेडिट इसको जाता है बिकॉज जो ये है यही मेरा व्लॉग एडिट करता है। तो अगर मेरे व्लॉग्स लेट भी आते हैं तो वो यही मतलब इसका मन कभी नहीं होता एडिट करने का, इस वजह से ये लेट डालता है ना। बोले सरासर झूठ है। तो हाँ फिलहाल हम चाय पी। तो गाइज आज के ब्लॉग के लिए था इतना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो हाँ बाय।